हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा, वो भी गेहूं के आटे से और उसके साथ में कढ़ाई पनीर, बहुत ही इजी तरीके से। मैंने लच्छा पराठा और कढ़ाई पनीर बहुत ही इजी प्रोसेस से बताया है, तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जनरली जब लच्छा पराठा बनाते हैं तो उसमें मैदा यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने सिंपल तरीके से गेहूं के आटे से बनाया है। जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही, अगर आपके पास रोटी का डो है लगा हुआ पहले से, तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो हेल्दी भी होगा। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस बना है। ऐसे ही इजी डिलीशियस एंड क्विक रेसिपी के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। पहले हम पैन को गरम करेंगे, उसमें 1 टीस्पून बटर डालेंगे। बहुत ज़्यादा बटर डालने की ज़रूरत नहीं है। जब बटर हल्का सा मेल्ट होने लगेगा उसके बाद 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज ऐसे क्यूब में कटा हुआ डालेंगे। जैसे हम कढ़ाई पनीर में सब्जियों को कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही, और 200 ग्राम पनीर क्यूब में कटा हुआ, मीडियम फ्लेम पर इसको साइलो फ्राई करना है हमें। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसको। उसके बाद इसमें हम कढ़ाई पनीर मसाला 1 टेबल स्पून डालेंगे। कढ़ाई पनीर मसाला रोस्ट करके जो हम बनाते हैं और स्टोर करके आप इसे आराम से 1 महीने तक रख सकते हैं। इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बस सब्जियों को 1 से 2 मिनट तक ही रोस्ट करना है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, जिससे कि अच्छा सा इसमें कलर आएगा। बस ये हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। अब सेम पैन में हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और 1 टीस्पून बटर। अब इसमें जीरा और दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। हल्का सा फ्राई करने के बाद 1 बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे ताकि प्याज बहुत जल्दी भून जाए। आप नमक स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि हमने जब सब्जियों को सैलो फ्राई किया था तो उसमें भी नमक डाला था थोड़ा सा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। बस ये हो गया है। अब इसमें हम 1 टमाटर, 6 से 7 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया था, अब उसको डालेंगे। हल्का सा जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद 1/2 टमाटर ऐसे फाइनली चॉप इसमें डालेंगे और इसको हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि मसालों से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर। रेड चिली पाउडर ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, जिससे कि कलर आएगा, बहुत तीखा नहीं होगा। अब इसको मिक्स करके हमें बहुत अच्छे से भूनना है। अब इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ढक के हम पका लेंगे, जिससे कि मसालों से ऑयल सेपरेट हो। मसाला भून चुका है अब ये, और प्याज जो हमने चॉप करके डाला था वो भी सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, आपको जैसा ग्रेवी पसंद हो उसके अकॉर्डिंग पानी डालिए, लेकिन कढ़ाई पनीर में बहुत पतला ग्रेवी नहीं होता है, थोड़ा सा थिक रहता है,
तो आप उतना ज़्यादा पानी ना डालें। अब इसको हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसके बाद इसमें हम जो सब्जी हमने सैलो फ्राई किया था उसको डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। कढ़ाई पनीर में कैप्सिकम बहुत ज़्यादा कुक नहीं होता है, ऐसे भी जब हम कैप्सिकम डालते हैं किसी भी सब्जी में तो हल्का सा क्रंची ही रहता है तो खाने में अच्छा लगता है। अब इसको ढककर बस 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। सब्जी रेडी है। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और गर्मा गर्म पराठा, चपाती या फिर राइस के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। अब हम लच्छा पराठा बना लेते हैं। तो मैंने रोटी के जैसा ही डो लगाया था बिल्कुल। आपके पास रोटी वाला डो बचा हुआ था आप उससे भी बना सकते हैं। रोटी से बड़ा सा एक लोई ले लेंगे, उसको सूखे आटे में डस्ट करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसको हम बेल लेंगे। बेलने के बाद बहुत पतला नहीं बेलना होता है, रोटी से थोड़ा सा थिक रखना है। अब इस पर हम ऑयल लगाएंगे, अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे ऑयल को चारों तरफ। उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर ताकि लेयर हमारा अच्छी तरह से इसमें बने, चिपके नहीं एक दूसरे में। अब इसको हम बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे हम पेपर का फैन बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से। उसके बाद इसको राउंड शेप में हम करेंगे, इसको ज्वाइंट कर देंगे और फिर से सूखे आटे में डस्ट करके इसको बेल लेंगे। जब भी हम लच्छा पराठा बेलते हैं ना तो बहुत दबा कर नहीं बेलना होता है बेलन को, नहीं तो इसका जो लेयर होता है ना वो चिपक जाता है और अच्छी तरह से निकलता नहीं है। तो इसलिए आप हल्के हाथों से इसको बेलिए तो इसका लेयर बहुत अच्छे से निकलेगा। अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम सेक लेंगे अच्छी तरह से ऑयल लगाकर क्रिस्पी होने तक। आप चाहें तो बटर में भी सेक सकते हैं, घी में सेक सकते हैं या फिर ऑयल में, आपको जो भी पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो घी लगाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए कैसे लेयर अभी ही निकल चुका है इसका। टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी होता है। बस ये हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं और कढ़ाई पनीर के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए बिल्कुल अलग अलग लेयर दिख रहा है। ये ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट रहता है, चिवी नहीं होता है ज़्यादा। अब हम इसे कढ़ाई पनीर के साथ गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप एक बार इन दोनों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये दोनों रेसिपी बहुत ही इजी है और खाने में उतना ही टेस्टी, और ये कॉम्बो तो सबको पसंद आता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही इजी डिलीशियस एंड क्विक रेसिपी के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी
एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।